व्यू देखो भाई, लवली भाई देखो भाई से जब आएंगे ना उस वक्त देखेंगे इस तरफ का व्यू को। एंड नाउ वापस देखो भाई, क्या बताऊँ भाई, एक और बार फिर से आना पड़ेगा का इसके ऊपर, मन नहीं भर रहा है भाई। ये देखो ओ भाई साहब, हे व्यूवर्स, तो कैसे हो आप लोग। एंड सॉरी कहना चाहता हूँ क्योंकि बहुत देर से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया ना, इसलिए तो मैं जब ये ब्लॉग वीडियो बना रहा था ना, ये ब्लॉग वीडियो बनते समय बहुत देर हो चुकी है, लेकिन फिर भी क्या बोलूँ कि मेरा पास फोन नहीं है, अभी फोन नहीं रहा मेरा, तो ब्लॉग वीडियो नहीं एडिट नहीं कर सका। ब्लॉग वीडियो तो बना लिया लगभग, लेकिन एडिट नहीं कर सका, तो फाइनली वो आज मैं एडिट करने वाला हूँ। एंड अगर आप लोग ब्लॉग वीडियो देखने के बाद वीडियो को स्किप मत करना प्लीज गाइस। कैसे हो आप लोग, आगे जाने वाला हूँ जामिश्वरा का इसका पारा। संडे कल है, आज शुक्रदे है, क्योंकि आज थोड़ा सा जामिश्वरा का इसका पारा का थोड़ा सा काम है, तो निकल रहा हूँ बहुत खुश हूँ। गाइस अभी 450 का फ्यूल अप कर लिया है, तो अभी निकलते हैं चलो। और पीछे एक गाड़ी आ रहा है, तो वो मांग रहा है, सबसे पहले उसको दिला देता हूँ। लगभग लगभग 1 2 3 स्टिक आ चुका है। अरे तो चलो भाई सफर को शुरू करते हैं। पता नहीं आज कैसा है मौसम है, आप लोग देख सकते हो मौसम किस तरह से, नहीं तो कभी कभार तो बहुत ज़्यादा धूप निकल जाता था, लेकिन अभी ऐसे नहीं होता है। आप देख सकते हो कल तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, और तो पता नहीं नौ गाइस। आगे थोड़ा सा दूर जाने पर पहुंच जाएगा हम पानी सागर पर। एंड इस तरफ है नवीन छोरा भाई, पता नहीं आज क्या होगा, मौसम साथ दे रहा है या नहीं, पता नहीं मौसम भी साथ नहीं दे रहा है, तो भाई बहुत ज़्यादा गलत ही हो सकता है आज के लिए तो। एंड हाय गाइस, अभी यहाँ पर आके पहुंच चुका हूँ, क्योंकि अभी तक पहुँचा नहीं पानी सागर जो हम जाना चाहते हैं दामछोरा, वहाँ पर तक अभी तक पहुँचा नहीं। बस यहाँ पर थोड़ा सा रुका हूँ क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा वाला व्यू मिल रहा था ना, तो इसलिए आप लोग इस तरह देख सकते हो बहुत ज़्यादा अच्छा वाला एंड सही वाला व्यू नज़र आ रहा है मुझे, तो भाई क्या कहूँ, थोड़ा सा मज़े लेने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्योंकि एक महीने के बाद आज ब्लॉग वीडियो पर निकला हूँ ना, तो थोड़ा सा मज़ा करना चाहता था भाई। थोड़ा सा अपना फ़ोन का कैमरा एंड आप लोग ये देख सकते हो, यह है कुमारगढ़ से धर्मनगर को जोड़ने वाला हाईवे रोड। तो चलो गाइस अभी निकलते हैं, क्योंकि बारिश आ रहा था, सो अभी हमें पानी सब पहुँचना पड़ेगा जल्दी से, अगर बारिश यहाँ पर आगे तो बहुत ही ज़्यादा गलत वाला सीन हो जाएगा भाई। इसलिए थोड़ा सा रुकते हैं कि पानी पीने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा है, क्योंकि आप लोग को भी एक बात बोलना चाहता हूँ कि भाई अगर ऐसे कोई रास्ता है लंबे रास्ते से लॉन्ग बाइक पर निकलो तो
पानी पीना पड़ता ज़रूरत होता है। चलो गाइस अभी निकलते हैं, पानी सगर पत्थर से पानी पी रहा था, पानी पीने का मन हो गया था क्योंकि घर से निकल के सामने से पानी एक बूंद भी नहीं गया भाई पेट के अंदर। तो चलो अभी निकलते हैं दामसरा जाने के लिए। एंड अभी हमें लेना है राइट साइड की तरफ एंड जो आगे की तरफ है ये पूरा क्या बोलूँ भ्रमण का जाने का रास्ता। एंड अभी हम आ चुके हैं राइट पर। Ramzan. Dua mana kat mana sih? Mati. Hah? Harus nak barat dah. Baik barat pergi sana. Aku tak nak nunggu lagi. Ping tang ping pergi ni sih. Kalau nunggu? Kalau kita lagi. Ramzan kami ingin patok lagi no. Kalau nunggu? तो चलो गाइस अभी हम अपने सफ़र को फिर से शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों के साथ थोड़ा सा मिलकर बात कर रहा था इसलिए थोड़ा सा इनका सही गाइस अभी यहाँ पर थोड़ा सा रुकते थे क्या कौन शादी है नंबर को थोड़ा सा साइड कर लेते हैं भाई नहीं तो यहाँ पर खामो खाम हमारे वजह से ट्रैफिक हो जाएगा इसलिए। दामसरा का जो मार्केट है ना वो इस तरफ से सीधे नहीं जाना पड़ेगा लेकिन हमें जाना पड़ेगा। यहाँ पर पानी पूरी भाई पानी पूरी खा लेते हैं सबसे पहले हम अपने बाइक को इस तरफ स्टॉप करेंगे। एंड नाउ यह है दामसरा का पेट्रोल स्टेशन मतलब कि फ्यूल स्टेशन पेट्रोल पम्प। पहले तो यहाँ पर नहीं था लेकिन अभी यहाँ पर हो चुका है ले और हमें आगे जाना है थोड़ा सा खाना खाते हैं भाई। सुबह से अच्छी तरीके से ब्रेकफास्ट नहीं किया ना तो पेट के अंदर चूहे तो यार घुटने वाला है भाई। अभी चलो गाइस निकलते हैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर रहा था यहाँ पर फ्यूल स्टेशन के पास रुक कर। एंड जो आगे तरफ जो छोटा वाला दुकान देखे है ना हाँ ये भी थोड़ा सा टिफिन विफिन कर रहा था तो अभी निकलते चलो कैसे के लिए भाई आगे का व्यू देखो भाई लवली भाई देखो भाई सर सब आएंगे ना उस वक्त देखेंगे इस तरफ का व्यू को। एंड नाउ वापस देखो भाई क्या बताऊँ भाई एक और बार फिर से आना पड़ेगा कैसे ऊपर मन नहीं भर रहा है भाई ये देखो ओ भाई साहब जन्नत इसको कहते हैं जन्नत। देखो जरा आगे का व्यू देखो भाई और साथ हमारा ब्लैक ईगल के साथ एंड नीचे का गांव देखो एंड व्यू देखो लवली इससे भाई कहना पड़ेगा लव यू कैसा भाई कहना पड़ेगा मनना पड़ेगा भाई फिर से ना पड़ेगा ना हो अगर अभी मेरे पास ड्रोन होता ना भाई क्या कहूँ भाई ड्रोन उड़ाने में मज़ा वो आएगा ना क्या कह सकता हूँ मज़ा ही आ गया क्या मज़ा मिला वो मैं नहीं बोल सकता मतलब कि शब्दों में बयां नहीं कर सकता इसको। अगर आप लोग भी जानना चाहते तो कभी कभार कैस्काओ में आकर देख लो तब पता चलेगा मज़ा किससे कहते हैं। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ आने के बाद जो वहाँ पर व्यू मिला था ना क्यों ना वहाँ पर थोड़ा सा फोटो खींचा जाए। नाउ गाइस यहाँ पर थोड़ा सा फोटो खींचा रहा था थंबनेल के लिए अभी इंस्टा का कोई मैंने फोटो नहीं खींचा क्योंकि खुद का फ़ोन नहीं है तो इंस्टा खेल के क्या फ़ायदा होने वाला है भाई। तो अपना गाड़ी को हम बेक कर लेते हैं और आसमान का कोई भरोसा नहीं है भाई ऐसा लग रहा है कि आसमान से बारिश का बूंदे आने वाला है हमारे पास।
हाँ अभी ऐसे फोटो बहुत सब खींचा चुका हूँ तो निकलते हैं ठीक है। बारिश खत्म होने का इंतजार करते हैं, ऐसे तो नहीं जा सकता, नहीं तो हमारा फोन के अंदर बारिश का पानी चला जाएगा भाई। तो अपना सेटअप तो अपना ब्लैक ईगल को सबसे पहले यहाँ पर रखते हैं एंड यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, थोड़ा सा खरीदेंगे खाने वाला